बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैंने देखिए पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत का उसके पड़ोसी राज्यों के साथ में जो संबंध था उसमें मैंने आपको पाकिस्तान का संबंध बताया था कि भारत और पाकिस्तान किस प्रकार से एक दूसरे के पड़ोसी राज्य होते हुए टकराव की स्थिति के चलते किस प्रकार से दोनों के मध्य आपसी संबंध रहे हैं और सहयोगात्मक रवैया भारत के द्वारा अपनाते हुए भी पाकिस्तान के द्वारा भारत का विरोध किया गया था, जिसमें कश्मीर समस्या अहम मानी जाती है और उसी के चलते वर्तमान में भी भारत एवं पाकिस्तान के मध्य संबंध बिगड़े हुए हैं। इसके बाद देखिए कि दूसरा पड़ोसी राज्य होने के नाते अपन मानते हैं कि भारत और श्रीलंका के मध्य क्या संबंध है। भारत और श्रीलंका के मध्य संबंधों को यदि देखा जाए तो दोनों के मध्य अच्छे संबंध हैं और समय समय पर दोनों देशों ने एक दूसरे देशों को व्यापारिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग प्रदान किए गए हैं। सामान्यतः अपन ये जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक जलडमरू मध्य है जिसके द्वारा दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों के मध्य व्यापारिक जो भी संबंध स्थापित किए जाते हैं वो इसी जलडमरू मध्य के माध्यम से ही किए जाते हैं। सामान्यतः सबसे पहले अपन देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के तहत जो मेन समस्या है और सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये माना जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के लगभग 10 लाख भारतीय श्रीलंका में रबड़ और चाय की खेती करने के लिए ले जाए गए थे। विशेष तौर से इन व्यक्तियों को वहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध थे, लेकिन दोनों के मध्य समस्या ये थी कि न तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी और न ही श्रीलंका ने उन्हें नागरिकता प्रदान की, बल्कि उन्हें केवल विदेशियों के रूप में वहाँ रहने का स्थान प्रदान किया गया। इसके चलते बहुत कुछ मुद्दे भी थे, जैसे कि कच्छ का रण है, कुछ एक क्षेत्र है उसका भी मुद्दा रहा है, लेकिन फिर भी इन तमाम मुद्दों के बाद में इस बात को निर्धारित किया जाता है कि भारत और श्रीलंका के मध्य यथासंभव अच्छे संबंध रहे हैं और दोनों के मध्य व्यापारिक एवं राजनीतिक समझौते होते रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप कि भारत के दक्षिण में यह स्थित एक छोटा जी यानी द्वीप है जिसका क्षेत्रफल मात्र 25,332 वर्ग मील है। यदि जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या भी इसकी टोटल 21.28 मिलियन के लगभग मानी जाती है, यानी कि भारत का पड़ोसी राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला यह देश है। इसके बाद देखा जाता है कि भारत और श्रीलंका के मध्य यानी दोनों जो जुड़े हुए हैं वह जलडमरू मध्य के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लगभग मैंने आपको बताया कि रहने वाले भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 10 लाख है। इससे प्रवासी भारतीयों को लेकर ही दोनों के मध्य कुछ टकराव की स्थिति पैदा हुई, या अपन ये कह सकते हैं कि भारत और श्रीलंका के मध्य कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। इस समस्या को सुलझाने के लिए यानी अपन ये कह सकते हैं कि श्रीलंका ने जब उन्हें नागरिकता प्रदान करने से इनकार कर दिया और वो भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं करना चाहते थे बल्कि श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त करना चाहते, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री या अपन ये कह सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कोटलेवाल के मध्य 1954 में एक समझौता हुआ और इस समझौते के तहत लगभग 6 शर्तें रखी गई थी और 6 शर्तों के आधार पर यह निर्धारित किया गया था कि आगामी 10 या 5 साल के तहत इन्हें नागरिकता के शर्तों के आधार पर इन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो महत्वपूर्ण शर्तें ये थी, जैसे कि जो भी वहाँ का नागरिक है या प्रवासी भारतीय है वो चाहे तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है और चाहे वह श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है और इसी आधार पर वह निर्धारित करने के बाद में उन्हें प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा जिसके आधार पर आगामी दिनों में उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण था कि नागरिकता भारत और श्रीलंका यदि किसी भी देश की अगर नागरिकता चाहता है और वह देश उसे नागरिकता देने के लिए तैयार है तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद एक और था कि भारत से आने वाले अवैध रूप से जो प्रवासी हैं उनको श्रीलंका में जाने से रोका जाए,
यानी किसी प्रकार से इनकी आबादी ज़्यादा नहीं बढ़े, इस बात का भी निर्धारण किया कि पहले जो व्यक्ति हैं केवल उनकी नागरिकता को पहले स्पष्ट किया जाए, इसके बाद नए नागरिकों को यानी या तो प्रवेश या नागरिकता प्रदान की जाएगी। अतः अवैध रूप से जाने वाले प्रवासियों को रोकने पर भी विशेष बल दिया गया था। इसके बाद था कि पहले जो दो वर्ष से पहले के जो प्रमाण पत्र नागरिकता के दिए गए हैं सबसे पहले उन्हें सुलझाया जाएगा और उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी कि यह नागरिकता के पात्र हैं अथवा नहीं। इसके बाद जिन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं है और वह नागरिकता अगर नहीं चाहते हैं या सरकार नहीं चाहती है कि वहाँ की नागरिकता दें, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार से उसे परेशान नहीं किया जाएगा और श्रीलंका में चाहा तो वह विदेशी के रूप में तब तक रह सकते हैं जब तक नागरिकता का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। ये कुछ ऐसी शर्तें थीं जो भारत और श्रीलंका के मध्य निर्धारित की गई थी। इसके बाद देखिए कि 1956 में फिर भारत एवं श्रीलंका के मध्य एक कटुता पैदा हुई और उसका महत्वपूर्ण था कि श्रीलंका में जातीय दंगे हुए थे। जातीय दंगे के आधार पर अपने मानते हैं कि श्रीलंका के रहने वाले यानी कि मूल निवासी वहां के थे तो उन्हें तो नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन भारत के इस जातीय आधार पर एक संगठन का निर्माण किया जिसे अपन LTTE के नाम से जाना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलियम के नाम से जाना। इन दोनों के मध्य सांप्रदायिक दंगे हुए और इसका आरोप भारत पर लगाया गया था कि भारत ने दंगों को भड़काने में सहयोग प्रदान किया है, जबकि भारत में इसकी कोई भूमिका नहीं थी। इन दोनों के मध्य जब कटुता पैदा हुई तो दोनों के मध्य तनाव की सी स्थिति पैदा हुई। इसके बाद में फिर एक और समस्या उत्पन्न हुई जिसे कहते हैं अपन कच्छ का द्वीप। कच्छ का द्वीप एक वह छोटा टापू है जो श्रीलंका के समुद्री तटों पर स्थित है। यह लगभग 200 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर सिवाय नागफनी के और कुछ भी ना तो पैदा होता है और यहाँ केवल मछलियाँ निवास करती हैं। लेकिन जब श्रीलंका को इस बात का आभास हुआ कि इस क्षेत्र में तेल के भंडार उपस्थित हैं तो उन्होंने इस पर अपना कब्जा जमाना प्रारंभ कर दिया और वो दावा करता था कि भारत पर इसका अधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि वास्तविक रूप से देखा जाता है तो इस कच्छे के द्वीप पर भारत का ही अधिकार था। लेकिन जब दोनों के मध्य कटुता पैदा हुई तो ऐसी स्थिति में तनाव की स्थिति को समाप्त करने के लिए भारत ने सहयोगात्मक रवैया अपनाया और सहयोगात्मक रवैया अपनाने के कारण 28 जून 1974 को दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ। दोनों देशों के मध्य जब समझौता हुआ तो इस बात का निर्धारण किया गया था कि कच्छ का जो भी द्वीप है और यदि श्रीलंका को ऐसा लगता है कि यहाँ पर तेल के भंडार हैं तो वह चाहे तो यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर सकता है और 200 एकड़ जमीन के इस क्षेत्र को भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया। इसके साथ ही अपन ये मानते हैं कि जो यह समझौता हुआ उस समझौता को कच्छ का द्वीप और श्रीलंका के को यानी सौंप दिया गया और यह नेहरू और प्रधानमंत्री भंडार नायके के मध्य निर्धारित किया गया था। इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि भंडार नायके नेहरू से बहुत अधिक के प्रशंसक थे और वह उसके प्रभाव क्षेत्र को मानते थे, लेकिन फिर भी नेहरू ने अपनी पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंधों को सुधारने के लिए सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए इस क्षेत्र को श्रीलंका को सौंप दिया। इसके बाद देखिए कि फरवरी 1978 को जब सरकार भारत में परिवर्तित हो चुकी थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ तो ऐसी स्थिति में मोरारजी देसाई ने श्रीलंका की यात्रा की जिससे कि दोनों देशों के मध्य समावेश बना रहे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री जयवर्धने ने भी भारत की यात्रा अक्टूबर 1978 में की थी, जो विशेष तौर से यह माना जाता है कि दोनों देशों के मध्य संबंधों को सुधारने पर बल दिया गया था। इसके बाद देखिए समस्या जब उत्पन्न होती है तो यह था सबसे पहले कि श्रीलंका की जातीय समस्या जो 2001 तक सबसे अधिक प्रभावित रही। सामान्यतः अपन मानते हैं कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो संबंध है वो 1982 से और 2001 के मध्य थी वो इसी आधार पर निर्धारित की गई थी कि श्रीलंका में जो आतंकवादी संगठन जिसे अपन LTTE के नाम से जानते हैं ये अपने अधिकारों के लिए या अपन ये कह सकते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक ऐसे संगठन का निर्माण कर दिया जिसे श्रीलंका सरकार ने इसे एक आतंकवादी संगठन का रूप प्रदान किया गया था।
स्थिति जब ज़्यादा और ज़्यादा यानी खराब होती गई तो श्रीलंका सरकार ने भारत से सैनिक सहायता मांगी। सैनिक सहायता के आधार पर भारत ने सैनिक सहायता भी प्रदान की, लेकिन स्थिति दोनों में इस प्रकार से प्रभावित हुई कि भारत की शांति सेनाओं को भी वहाँ पर किसी न किसी प्रकार से नुकसान हुआ और भारतीय मूल के रहने वाले तमिल भी उससे अधिक प्रभावित हुआ। श्रीलंका सरकार ने दोहरी नीतियों को इस प्रकार से अपनाया कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों को ही समाप्त करने और अपनी जातीय समस्या को हल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अपनी शांति सेनाओं को वापस भी बुलाया और इस प्रकार की जो भी गतिविधियां हुई भारत और श्रीलंका के मध्य, जैसे कि अपन मानते हैं कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो जातीय समस्या उत्पन्न हुई और 1982 से लेकर 2001 तक यह समस्या अधिक प्रबल थी, इसका विवरण या अपन ये मान सकते हैं कि इसके बारे में आपको आगामी ऑनलाइन क्लास में बताया जाएगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य जातीय समस्या के क्षेत्र में या 1982 से लेकर और 2001 के मध्य जो संबंध रहे हैं उसे आपको आगामी वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।